हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे नसबंदी के बारे में कि ये क्या होती है, इसे कौन करा सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। तो आइए इस पर बात करते हैं। और इससे पहले मैं एक चीज़ करना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं चैनल पर तो वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसका फीडबैक हमारे वीडियो लाइक करके हमें दे सकते हैं, और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फैमिली में शामिल हो। तो चलिए इस बात को समझते हैं। व्यूअर्स, नसबंदी कराने का एक क्राइटेरिया है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। और क्राइटेरिया ये है कि जब आपको ये लगता है कि आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब आपको बच्चे नहीं चाहिए, तब आप इसको करा सकते हैं। ऑलमोस्ट एज का अगर हम इसमें एक एग्रीगेट देखें तो ये है अराउंड ईयर ऑफ 40, क्योंकि अराउंड 40 ईयर ऑफ एज पर लोगों की फैमिली कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद आप इसको करा सकते हैं। अब आइए ये समझ लेते हैं इस नसबंदी में क्या किया जाता है जिससे कि आगे बच्चे नहीं होते। इसमें पहले हम पुरुषों में समझ लेते हैं, मेल्स में समझ लेते हैं कि उसमें क्या होता है। जो दो टेस्टिकल्स जिसमें कि शुक्राणु बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, और उन शुक्राणुओं को ये दो जो नलियां हैं जिनको वास डिफरेंस कहते हैं, ये ऊपर जो एक थैली होती है जिसको कि हम वीर की थैली कहते हैं या फिर सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं, जहां पर ये दोनों शुक्राणुओं को लेकर जाती हैं, इन दोनों नलियों को ही यहां से एक छोटा सा कट लगाकर काट देते हैं और यहां से इनको गांठ लगा देते हैं। ठीक है, यहां से इनको गांठ लगा दिया। इससे क्या होता है कि जो शुक्राणु बनते हैं वो आपकी यहाँ जो थैली होती है उसमें स्टोर नहीं होते, और जिसकी वजह से फिर आगे प्रेगनेंसी नहीं होती। अब कुछ लोगों में ये क्वेश्चन रहता है कि जब ये आप इस नली को यहाँ से अलग कर देंगे तो क्या उसके बाद भी वीर्य बाहर आएगा? तो बिल्कुल आएगा, बिकॉज जो सेमिनल वेसिकल है उसके अंदर जो सेमिनल फ्लूड बनता है वो तो ऑलरेडी बनेगा। तो जो डिस्चार्ज होने पर जो फ्लूड निकलता है, चिपचिपा पानी जैसा जो आता है, वो वैसा ही आएगा। बस उसमें जो शुक्राणु होते हैं जो यहां से बनकर जाते थे वो शुक्राणु नहीं होंगे उसमें। ये होता है मेल में। अब सेम यही प्रोसीजर यहां फीमेल के साथ भी होता है। फीमेल में ये जो दो ट्यूब्स रहती हैं जिनको कि फ्लॉपिन ट्यूब्स बोलते हैं, और यहां से अंडा जब एक पूरा तैयार हो जाता है तो वो इन्हीं ट्यूब से गर्भाशय में पहुंचता है, और जब शुक्राणु यहां पर आते हैं तो वो उनसे मिलता है। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें इन्हीं ट्यूब्स को भी यहाँ पर अलग कर देते हैं और यहाँ पर इनको बांध दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो इससे क्या होता है, यहाँ से जो अंडा तैयार होकर इस नली के थ्रू इस गर्भाशय में पहुँचता तो वो यहाँ पर नहीं पहुँचता है, बिकॉज यहाँ से इसको रोक दिया जाता है। तो इन ट्यूब्स के थ्रू इस प्रोसीजर को पूरा किया जाता है जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो। तो यही था इसमें। और इसके अलावा अगर आप मुझसे एक इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पूछेंगे तो वो है कॉन्डम, बिकॉज वो इफेक्टिव भी है और सेफ भी है। बट चॉइस आपकी है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसका फीडबैक हमें इसको लाइक करके भी दे सकते हैं, और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली में शामिल हो। तो नए वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड बाय।